श्रीनगर के लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाले जयंती ट्रेडर्स को श्रीनगर पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने पुलिस टीम को बधाई देते हुए लोगों को ठगों से सावधान रहने की सलाह दी है। दरअसल श्रीनगर गढ़वाल में कम दाम पर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर सहित किचन का सामान बेचकर लोगों को लालच देकर करोड़ों का चूना लगाने वाले जयंती ट्रेडर्स के खिलाफ श्रीनगर कोतवाली में 10 नवंबर 2021 को धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही उसे श्रीनगर गढ़वाल लाया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसएसआई संतोष पैंथवाल और एसआई रणवीर रमोला के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिनको आरोपी की धरपकड़ के लिए तमिलनाडु राज्य भेजा गया, जहाँ पर टीम के द्वारा आरोपी के गृह जनपद थंजावुर में पहुंचकर 3 से 4 दिनों तक अभियुक्त के संभावित ठिकानों पर स्थानीय परिवेश में रहकर रेकी की गई। श्रीनगर कोतवाली के एसआई संतोष पैंथवाल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर बीते रोज जिला थंजावुर तमिलनाडु की स्थानीय न्यायालय के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां पर मजिस्ट्रेट के द्वारा विवेचना अधिकारी रणवीर रमोला को आरोपी की ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत किया गया। टीम प्रभारी एसएसआई संतोष पैंथवाल के द्वारा अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड के पश्चात अपनी टीम के साथ वापस उत्तराखंड लाया जा रहा है। नवंबर 2021 में कोतवाली श्रीनगर में स्थानीय व्यापारियों द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने यह बात उजागर की थी कि एक अरुण राज चलैया नाम का व्यक्ति था, जिसके द्वारा उनसे उन्हें घरेलू सामान, अलमेरा वगैरह बेचने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी की थी और इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त की तलाश में उसकी गिरफ्तारी हेतु हमारी टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। लगभग 1 साल का समय बीत गया था और इसमें अभियुक्त पर जो है 5,000 का इनाम भी घोषित किया था और अथक प्रयास के बाद हमारी पुलिस टीम को सफलता हासिल हुई और इस अभियुक्त को थंजावुर तमिलनाडु से हमारी टीम ने कल गिरफ्तार किया।